नमस्कार दोस्तों, ITITS लेवल 2 के स्टूडेंट्स के लिए 2017-18-19 के HBSC के फंक्शनल इंग्लिश के नोट्स सॉल्यूशन लेकर हाजिर हैं कृष्ण मलिक। चलिए शुरू करते हैं। वी केम बैक डैश शी वॉज नॉट एट होम, हम वापस आ गए डैश क्योंकि वो घर पर नहीं थी। येट मैंने फिर भी, एज मैंने क्यों, तो आएगा इसका क्योंकि वह घर पर नहीं थी, एज आंसर आएगा इसका। सेकेंड क्वेश्चन है, यू कैन नॉट पार्क यूर कार एनी वेयर एंड डैश दिस बिल्डिंग फॉर सिक्योरिटी रीजन, आप अपनी कार कहीं पर भी दिस बिल्डिंग के अराउंड आएगा, इसमें चारों ओर पार्क नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के फ्रॉम मैंने होता है से अलग होना। थर्ड है, फिनिश द होमवर्क डैश 15 मिनट्स एट इन, अपना कार है 15 मिनट्स में कवर करो, इन आएगा, एट मैंने होता है पर। फोर्थ क्वेश्चन है, डू नॉट हॉक अननेसेसरी ट्रैफिक सिग्नल्स एट अंडर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर अनावश्यक रूप से हॉर्न ना बजाएं क्योंकि अंडर होता है नीचे। फिफ्थ है, प्रिया इज एक्सट्रीमली डैश एंड दैट मेक्स हर द टीम फेवरेट, प्रिया क्या है, पूरी तरह से डिग्निफाइड है, गरिमापूर्ण है, तभी वो टीम की फेवरेट है, ग्रैंड में होता है बड़ा। चलिए नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने जो फाइव क्वेश्चन है उसकी पूरी रिवीजन कर लेनी है। यू आर डूइंग योर जॉब डैश वेल, आप अपनी जॉब पूरी तरह से अच्छी तरह से करें। वेरी वी आर वाई वाला आएगा, वेरी इस वी आर वाई वाले वेरी का मतलब होता है भिन्न भिन्न अलग प्रकार से होना। सेवन्थ क्वेश्चन है, आई लॉस्ट डैश बुक्स व्हेन आई स्टेड एट द हॉस्टल, आई लॉस्ट मैंने खो दी थी काफ़ी बुक्स जब मैं हॉस्टल में रहा करता था, तो सेवरल होता है उसका मतलब कई। मच क्या है, मच वेरी, सो मच, टू मच, साथ लगेगा, फर्स्ट डिग्री होती है। एट क्वेश्चन है, वी रियली इंजॉयड, हमने इंजॉय किया डैश ऑन द ट्रिप टू मनाली लास्ट मंथ, पिछले मंथ मनाली का ट्रिप को किसने इंजॉय किया, आवरसेल, आवरसेल का मतलब हमने खुद स्वयं, आज का मतलब होता है हमें। उसका बाद है नाइन्थ क्वेश्चन, आई बॉट ए प्रेजेंट फॉर डैश, मैंने खरीदा प्रेजेंट माई सेल्फ मी, किसके लिए, मेरे लिए, तो इसमें क्या आएगा, मी आएगा, मेरे लिए, फॉर मी, फॉर माई सेल्फ नहीं आएगा, माई सेल्फ होता है खुद कुछ करना, खुद के लिए नहीं, खुद कुछ करना। आई डैश मूव टू ए न्यू सिटी, आई रिसेंटली मूव टू ए न्यू सिटी, रिसेंटली मतलब हाल ही में, डेली का मतलब होता है प्रतिदिन भी, मैं प्रत्येक दिन सिटी की तरफ मूव करता हूँ, ऐसा नहीं होगा, उसमें आएगा आई रिसेंटली मतलब हाल ही में मैं सिटी की तरफ मूव हुआ हूँ। इलेवेंथ क्वेश्चन है, इट वॉज डैश हु वॉन्टेड टू गो टू द माउंटेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ द बीच, इट वॉज यह वही था ही जो माउंटेन्स में जाना चाहता था बीच की बजाय, हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं। आई लीव, ट्वेल्थ क्वेश्चन, आई लीव हेयर विद माई डैश फ्रेंड मनीष, बेटर फ्रेंड बेस्ट, बेस्ट थर्ड डिग्री आएगी, बेटर के लिए THEN देन लगा होगा क्योंकि कंपैरिजन के लिए होता है वो, जहाँ भी मिलेगा आपको। थर्टीन क्वेश्चन, देयर इज ए डैश मोन्यूमेंट नियर आवर हाउस, इसका मतलब क्या है कि हमारे घर के पास एक कोई स्मारक है, कौन सा है, हिस्ट्री, इतिहास, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, इतिहास से जुड़ा हुआ क्या होगा, ऐतिहासिक। आई लॉस्ट डैश बुक्स व्हेन आई स्टेड एट द हॉस्टल, आई लॉस्ट सेवरल बुक्स, ये पहले भी हम एग्जांपल पढ़ चुके हैं, कई बुक्स मैंने खो दी थी जब मैं हॉस्टल में रहा करता था। उसके बाद आएगा हमारा 15th क्वेश्चन, कम टू दी शॉप डैश 5 PM, 5 PM पर, एक समय बता रहा है 5 PM पर आप शॉप पर आ जाना, 5 PM में नहीं आएगा, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग जो समय होता है उसके लिए हम बोल देते हैं इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, एट नाइट, ये जो टाइम का है 5 PM AM उसमें क्या चलेगा, एट। आई हैवंट सीन देम डैश लास्ट जुलाई, मैंने पिछली जुलाई से उसको नहीं देख पाया हूँ, तो से आएगा इसमें, देख चुका हूँ या देख पाया हूँ, फ्रॉम आएगा उस समय से नहीं देख पाया। वॉक डैश यू रीच द ट्रैफिक पॉइंट टिल बिफोर आफ्टर नन, वॉक टिल, तब तक चलते रहो जब तक आप ट्रैफिक पॉइंट तक ना पहुंच जाएं। 16 में एक बात याद रखना, सिंस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सिंस भी निश्चित समय से होता है पर उसमें क्या आएगा, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। 18 क्वेश्चन है, आई नाउ लीव डैश इन द हार्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के दिल में मैं कैसे रहता हूँ अब, कंफर्टेबली, आरामदायक रूप से, आराम से। कैन वी सिट ऑन डैश अपर फ्लोर, क्या हम अपर फ्लोर पर बैठ सकते हैं, तो आएगा इसमें द, एक अपर फ्लोर तो नहीं है ना, ना ही एन आएगा। तो उसके बाद है फॉर डेजर्ट अ प्ले डैश प्लेट ऑफ खीर विल डू, मतलब कि डेजर्ट के लिए जो हम खाना खाने के बाद मीठा लेते हैं तो उसमें क्या मिल जाएगा, प्लेट, खीर की प्लेट दी जाएगी, होगी
या खीर की प्लेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप इसकी अच्छे से रिवीजन करें। बेस्ट विशेष, धन्यवाद।